मौजूद हूँ नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर जो कि लाहौर में है, इलामा इकबाल टाउन मार्केट में। लेकिन इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं फैसलाबाद की जाने। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी फैसलाबाद में फ्रेंचाइज की ओपनिंग है। 4 बजे हमने वहाँ पर पहुँचना है और नरगिस ब्यूटी से हम निकल रहे हैं और आपका साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा साथ आपके साथ रहेगा। साथ साथ बातें भी होती रहेंगी, आपको नई नई चीज़ें भी बताते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सूट मैंने पहना हुआ है इस वक्त, ये नरगिस कलेक्शन का है और जो इस सूट को पसंद करे तो हमसे रब्ता कर सकता है, हमसे इसको कस्टमर करवा सकता है। और ये है कि हमारा नरगिस ब्यूटी का काउच जो कि हमारी हर फ्रेंचाइज पे लगा हुआ है। पेशावर वाला जो हमारी फ्रेंचाइज है उधर भी हमारा यही काउच लगा है और लाहौर में भी यही लगा हुआ है और यही इंशाल्लाह ताला मुझे फैसलाबाद में भी नजर आएगा। बच्चियों, मैं जा रही हूँ फैसलाबाद और जो मेरे साथ दो स्टाफ की बच्चियाँ जा रही हैं वो आगे और हम निकलते हैं फैसलाबाद के लिए। तो आपसे मुलाकात होती है फैसलाबाद। और माशाल्लाह ये सुबह से यहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। और बहुत एक्साइटेड भी हैं और मुझे कह रहे हैं मेघा जी के भी फैन हैं, तो मेघा जी को कह रहे हैं सलाम कह दीजिएगा। तो मेरी तरफ से मेघा जी इस बच्चे की जानिब से मैं आपको सलाम कह रही हूँ। अल्लाह पाक आपके काम में बहुत बरकत दे, आपको कदम कदम पे कामयाबी मिले और कामयाबी हमेशा आपके कदम चुभे। तो आप भी साथ आइए, आइए। अल्लाह पाक बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आ जी, माशाल्लाह कितना अच्छा बनाया उन्होंने। नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर बाय ज़ाहरा, ये रिसेप्शन है इनकी। जैसे ही क्लाइंट अंदर एंटर होगा तो जाहिर है यहीं पर आके डील होगी और ये सिटिंग एरिया है। और कलर स्कीम भी जो हमारी लाहौर की है, रेड एंड ब्लैक, वही थीम रखी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये मेकअप रूम है जी, ये तकरीबन 5 यूनिट्स हैं यहाँ पे और वेटिंग एरिया अलग से है। और जैसा कि मैं लाहौर से निकलने से पहले आपको बता रही थी कि ये क्लॉथ जो है लाहौर वाले सैलून पे लगा हुआ है और मैंने कहा था कि होपफुली ये वहाँ लगा होगा और ऐसा ही है। वो देखिए आपके सामने है, ये मेरी पिक्चर्स यहाँ लगी हैं और मुझे ये खुशी है कि जब मैं यहाँ नहीं भी मौजूद हुआ करूँगी तो मेरी मौजूदगी यहीं पर होगी, हमेशा मेरे सर पर। बिल्कुल, और मैं वहाँ से आपको घूर भी रही होंगी कि ज़ारा प्लीज़ ध्यान से क्लाइंट के साथ कॉपरेट करो, पैसे कम करो, काम अच्छा करो। तो चूँकि मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जब क्लाइंट आए तो वो उसको फील हो कि वो अपने घर में है। आइए आइए आइए, माशाल्लाह आज इनकी मेरी मुलाकात हुई। हाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मा। कौन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बैच है जो कि हर लड़की को लगा होना चाहिए यूनिफॉर्म के साथ।
जिस तरह आप लोग जानते हैं कि लाहौर में नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पे हम लोग एक जो ख़वातीन की कोई कफालत करने वाला नहीं है और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये तीन बच्चियाँ होती हैं, बेवा हैं, तो उनके लिए हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि वो आएँ और अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आएँ, और या हस्बैंड ने अगर डिवोर्स दे दी है या उसका कोई भी कमाने वाला नहीं है तो वो आएँ और NBTC नरगिस ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर पे आएँ, तो वो ये फॉर्म फिल करती हैं बच्चियाँ, जिसमें बाकायदा हम लिखते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो रहा है आपका कोर्स। तो ये वो हमारा फॉर्म है जो कि मैं इनको दे रही हूँ। ये देखिए, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है कि जिसमें हमने उनसे दस्तखत लेने होते हैं, शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड की कॉपी, और उसमें हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वो कल को अपना रिस्क कमा सकें, बासलाहियत बाख्तियार ख़वातीन बन सकें, खातून बन सकें। तो ये स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि एक तो जिस तरह हम लाहौर में सिस्टम चलाते हैं नरगिस ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर पे NBTC पे, तो ये वो फॉर्म है जो कि डिज़र्विंग होंगे, उनके लिए आपने फ्री 3 महीने का कोर्स करना है फैसला बाद में भी। जी, ये वो है। और इसके साथ साथ एक फॉर्म ये है जिसमें जो पे करके सीखती हैं बच्चियाँ, तो उनमें उनका एडवांस जो लिया जाता है, बैलेंस पेमेंट होती है, उसके लिए ये आपको सारे आपके अपने फॉर्म बनेंगे जिसमें CEO नरगिस के यहाँ सिग्नेचर है, लेकिन यहाँ ज़ारा के होंगे, तो ये आपने चेंज करना है। ये उर्दू में भी है, जिन लोगों को समझ नहीं आती तो उनको उर्दू में भी समझा सकते हैं। ठीक हो गया। एक कुछ बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो कि डिज़र्विंग भी नहीं होती, लेकिन वो इतने पे भी नहीं कर सकती कि वो पूरा फुल कोर्स करें, और हमने इसके लिए भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है कि आप हमारे साथ 3 साल का एग्रीमेंट कर लें, उसमें हम 3 महीने बच्ची को काम सिखाते हैं, 3 महीने प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर हम उनकी तनख्वाह लगा देते हैं। तो उसमें 3 साल का एग्रीमेंट करने का मकसद ये होता है कि हमारी ट्रेन की हुई बच्ची हमारे पास ही 2 साल मज़ीद लगाए और काम करे, और जब वो बच्ची 3 साल काम करके जाती है तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उसको कहीं मात नहीं आ सकती, हर कदम पर कामयाबी होगी, क्योंकि वो फुल ब्यूटिशियन बन के निकल गई, ऑलराउंडर। तो ये उसका फॉर्म है जिसको आपने, जब भी कोई ऐसी बच्ची आएगी जो कि पे नहीं कर सकती और वो काम कराना मतलब सीखना चाहती है, तो आप उनको ये वाला फॉर्म जो है उनसे आप साइन कराएंगे। अब रह गई बात नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर की, NBTC की, जो कि 3 महीने में ज़ारा जी ने ट्रेनिंग की लाहौर में, और उनका मेकअप बता रहा है इतना मर्द, इतना ब्लैंडिंग वाला मेकअप माशाल्लाह से। और सबसे पहले ये सेंस होनी चाहिए कि डे मेकअप क्या है, नाइट मेकअप क्या है, आउटडोर इनडोर। और आपको पता है कि दिन में शादियाँ होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मेकअप थोप देते हैं, तो दिन में थोड़ा लाइट होना चाहिए, नेचुरल लुक में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स जो हैं वो ज़ारा जी हमसे सीख कर आई हैं। बिल्कुल फैसलाबाद की जितनी ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, वो यहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आ सकती हैं कि यहाँ पर भी उनको हमारे काम का वही लेवल मिलेगा जो कि हमारे लाहौर में है। तो सर्टिफिकेट इनको मैंने लाहौर में इसलिए नहीं दिया था कि मैं आपको आपकी ब्रांच पर आके सर्टिफिकेट दूँगी। तो ये है जी ज़ारा जी का सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। मैं बाजी के लिए बड़ी अच्छी सी क्लैप करें, मेरे दिल से इनके लिए क्लैप, बहुत सिखाया आपने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ चलती जाऊंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं टच में रहूंगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी। अब मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करती चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर 1 डे वर्कशॉप होती है जिसमें लोग आते हैं, मेकअप बच्चियाँ सीखने आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 डे वर्कशॉप का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसमें कुछ नहीं सीख सकते, सिर्फ आप आते हैं, एक सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं, अपना 2-3 हज़ार आप ज़ाया करते हैं। तो उसको हमने थोड़ा सा उसका रुख चेंज किया है। अभी हमने लाहौर में 3 दिन की मेकअप की क्लास दी है और 3 दिन की हेयर की, जिसमें हमने 2 दिन डेमो दिया है, 1 दिन बच्चियों को प्रैक्टिस कराई है, और उसके साथ हमने सर्टिफिकेट दिया है। तो हम जो अनाउंस कर रहे हैं, डेट जो है वो हमारे पेज पे, और हम अनाउंस कर देंगे, पोस्ट लगा देंगे। तो हम 3 दिन की क्लास फैसलाबाद में अनाउंस कर रहे हैं मेकअप की, 3 दिन मैं खुद आऊँगी और 4 लुक्स हम सिखाएंगे, जिसमें फर्स्ट डे में हम बारात और वलीमा लुक, सेकेंड डे में निकाह मेहंदी लुक,
और साथ कुछ टिप्स देंगे कि डे एंड लाइट मेकअप में क्या फ़र्क होता है, अगर आप जैसे आउटडोर में हैं, धूप में हैं तो वो मेकअप कैसा करना चाहिए, इनडोर में है कैसा करना चाहिए, प्लस लिक्विड मेकअप क्या है, स्टिक मेकअप क्या है, वाटर बेस्ड क्या है, ये सारी टेक्निक्स बच्चियों को सिखाई जाएंगी। लेकिन दो दिन सिखाई जाएंगी और तीसरे दिन बच्चियाँ अपनी अपनी मॉडल लेकर आएंगी, ब्राइडल बनाएंगी, बिल्कुल हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी, वो अपनी अपनी मॉडल को तैयार करेंगी, उसके बाद हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, आई लव योर, आई एम, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वन डे वर्कशॉप जो है, मेरी सारी बहनों को जो है वो मशवरा है, बिल्कुल भी वन डे वर्कशॉप ना लिया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सब चश्का है, कख भी नहीं है, सीधी बात करूँ तो। अब क्या है, जब तीन दिन की क्लास होगी तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या काम सीखने आ रही हैं और क्या सीख कर जा रही हैं, तो उसका सर्टिफिकेट जब लेंगी तो आपको पता भी चलेगा, कहीं खड़े होकर कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ का पता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे इसी महीने में, इंशाल्लाह ताला इसी महीने में तीन दिन की क्लास फैसलाबाद में, और मैं डेली तीन दिन खुद आऊँगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैनीक्योर पेडीक्योर एरिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अगर चार बहनें या चार फ्रेंड्स इकट्ठी आ जाएं तो आमने सामने बैठ के बड़ी अच्छी गॉसिप्स कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है इसके लिए हम मैनीक्योर पेडीक्योर एरिया का ना ये जो रूम है इसको एक चुगली रूम का नाम भी दे देते हैं कि बहुत सी आपस में आके सहेलियाँ जो हैं वो गुफ्तगू भी कर सकती हैं, अपने अपने हस्बैंड्स की बुराई भी कर सकती हैं और अपने ससुराल की बातें भी कर सकती हैं, इंजॉय भी कर सकती हैं, और यहीं पर लड़ाई भी कर सकती हैं और सुलह भी कर सकती हैं, और सास बहू आमने सामने बैठकर एक दूसरे को घूर भी सकती हैं। देखिए बिल्कुल आमने सामने, और बड़ा अच्छा ये यहाँ दो बहनें बैठ जाएं, बड़े मज़े से एक दूसरे से बात कर सकती हैं। यहाँ जो है ना वो आपस में दो दो मुखालफीन बैठने चाहिए आमने सामने, तो ये आगे डालने के लिए शेर की तरह एक दूसरे को देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया, मैनीक्योर पेडीक्योर के बिल्कुल सामने एक फेशियल रूम है, ये आपके सामने है कि फीमेल्स के लिए एक पर्दे का भी बड़ा ख्याल रखा गया है कि वैक्स रूम है, और वैक्स रूम को हम फेशियल रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने एक रेगुलर फेशियल रखे हुए हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हर कोई जो है वो महंगा अफोर्ड नहीं करता है, जैसे कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे पंखा बंद कर रहे हैं, गर्मी बहुत है असल में, ऊपर से हम फैसलाबाद में हैं, तो ये वैक्स रूम भी है और साथ फेशियल रूम भी है, और इसमें भी एक फीमेल्स के लिए प्राइवेसी रखी गई है ताकि अगर कोई फैमिली इकट्ठे आए तो एक टाइम में आदि मैनीक्योर पेडीक्योर में जा सकती हैं, कुछ वैक्स रूम में आ सकते हैं, अलग अलग हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि हम लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि जो जितने पैसे अफोर्ड कर सकता है उसके मुताबिक भी ब्रांड्स रखे गए हैं, कोई ये ना सोचे कि नरगिस सैलून अगर फैसलाबाद में बना है या लाहौर में है या पेशावर में है तो वो बहुत महंगा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, हमने बहुत रिजनेबल रेट्स रखे हैं और पूरी मार्केट चेक करके रखे गए हैं, कम्युनिटीज़ को मीट करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमने हर ब्रांड रखा है ताकि यहाँ पर अगर कोई मेरे जैसी भी आए, मेरे जैसी मारी गरीब समझ तो गए हैं ना, तो वो भी अफोर्ड कर सके, और कोई ज़ारा जी जैसी भी आए तो वो भी पैसे लगा सके। ओह कहने की बात है जनाब, और आइए हम आपको दिखाते हैं हाइड्रा रूम जहाँ होगा बीबी ग्लो और हाइड्रा। हाँ जी, और ये रहा हमारा हाइड्रा रूम जी, ये हमारी हाइड्रा मशीन है जी, ये 7-in-1 हाइड्रा मशीन है हमारी, और इसके साथ हम लोग नॉर्मल हाइड्रा नहीं करते हैं, हम तो TCA पील पहले, और पील के साथ जब हाइड्रा किया जाता है तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है, तो पीलिंग के साथ, तो हमने यहाँ पे पीलिंग के साथ हाइड्रा रखा है, प्लस इसके कॉम्बिनेशन में हमने बहुत बड़ा ब्रांड जेंसन उसका फेशियल रखा है, और ये हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांड यूज़ हो रहे हैं, और स्पेशली जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो यहाँ आए और वो पीलिंग ज़रूर कराएं फेस पे, ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रा कराएं, आप अगर इतना अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप सिर्फ पील भी करा सकते हैं, जेंसन में नहीं, सिर्फ आप TCA पील कराएं, TCA पील कराएं लेकिन सनब्लॉक लगाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो सेव रहे। और बल्कि मैं फीमेल्स को यहाँ पर एक टिप भी देना चाहूँगी कि जिनकी एक दफ़ा
दफ़ा स्किन ख़राब हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, तो आप सिंपली डे क्रीम अपनी आप ये समझ लें कि सनस्क्रीन जो है आपका सन ब्लॉक जो है वो आपकी डे क्रीम। आपने अगर घर में खाना भी पकाना है किचन में तो आप ये समझें कि वो चूल्हे की आग या ये जो एक बल्ब है ये भी हमारे लिए सूरज की मानिंद है, तो हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए। स्पेशली वो औरतें जो कि मिक्स क्रीमें करके अपने फेस पे लगाती है तो वो उनको ये नहीं पता, बिल्कुल एक टाइम आता है स्किन पतली हो जाती है, वेंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती है, आपकी स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिला स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो उसके लिए हम तमाम लेडीज को रोकते हैं कि बिल्कुल मिक्स फार्मूला यूज ना करें, उससे बेहतर है कि आप कुछ भी यूज ना करें, सिंपली फेस वॉश करें, आप 5 मिनट कोकोनट ऑयल का फेस पे मसाज करें, अगर आप फेशियल अफोर्ड नहीं करते हैं, कहीं जा नहीं सकते तो घर पे रात को 5 मिनट के लिए कोकोनट ऑयल का मसाज करें, फेस वॉश करें, और आप मॉर्निंग में या रात को इवियोन कैप्सूल है या बेस्ट रेमेडी है घर में लगाने के लिए। और उसके बाद अगर आप ज्यादा मतलब बिल्कुल फेशियल नहीं करा सकती, कहीं जा नहीं सकती, तो आप हल्दी में हनी मिक्स करके रात को उसको पेस्ट बना के अपने चीक्स पे लगा सकती हैं, मास्क की तरह लगा सकती हैं, लेकिन पिलो चेंज कर लीजिएगा, वो हल्दी के वरना सारे पिलो जो है वो खराब हो जाएंगे। जी माशाल्लाह से जैसे आप जानते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने आपको दिखाया, कटिंग एरिया, रिसेप्शन है, वेटिंग एरिया है, हमारा मेकअप रूम है, यहाँ ब्राइडल के लिए एक रेस्ट रूम बनाया गया है, वेटिंग जैसे अगर ज़्यादा दुल्हन हैं तो रेस्ट कर सकती हैं दुल्हन, और यहाँ पे कटिंग एरिया है, डाय सेक्शन है सारा, आई थिंक जी हाँ डाय एरिया, ये भी हमारा कटिंग एरिया है और डाय एरिया है, और वेरी नाइस, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लाहौर वाले सैलून का एक बच्चा है। मैंने तो, कहा था ना कि उसी का एक बच्चा है। बेशक ऐसा ही है, बहुत खुशी हो रही है देखकर, और ज़ारा अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, बहुत इज्जत दे, बहुत कामयाब हो आप, क्योंकि आपने 3 महीने में बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, और मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी स्टूडेंट आज माशाल्लाह से इस जगह पे खड़ी है कि उसके पास मेरी फ्रेंचाइज है और बहुत अच्छी रन भी करेंगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग यहाँ आएंगे और जितना प्यार जितनी मोहब्बत आपने मुझे लाहौर में नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पर दी, उतनी ही मोहब्बत उतना ही प्यार आप मुझे और मेरी ज़ारा जी को यहाँ देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आज हमारी पूरी यूट्यूब की टीम भी हमारे साथ थी, क्योंकि नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर का चैनल जो है वो मैं भी स्टार्ट किया है, तो जितने लोग देख रहे हैं, नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जो मेरी टीम है डीएमजी मेरी बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे सारे, और बहुत ही प्यारी टीम है, बहुत प्यारा काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से और आपकी दुआओं से भी हमारा नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर का चैनल भी दिनों में ऊपर जाएगा, लेकिन आप लोगों ने लेकर जाना है और आपने लिंक शेयर करना है, अपनी फ्रेंड्स को बताना है, इसको सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।